क्या चाल है दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे एक लेटेस्ट गेमिंग TWS को, जिसे लॉन्च किया है फिंक्स कंपनी ने। इसका मॉडल नेम है फैंटम 450 और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसका लॉन्च प्राइस था 999 रुपीज़। तो प्राइसिंग है काफ़ी अच्छी रखी गई थी, इसे आप फ्लिपकार्ट पर चेकआउट कर सकते हैं। और इससे पहले हमने बोल्ट के एक गेमिंग TWS एस्ट्रा की भी फुल वीडियो बनाई हुई है, उसे भी आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में करते हैं फटाफट इसके अनबॉक्सिंग, बात करेंगे इसके सभी फीचर्स के बारे में और इसमें इनिशियली क्या प्रोज एंड कॉन्स दिए गए हैं इस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। और यहाँ वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी जानते हैं आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कर देना, हमें मोटिवेशन भी मिलता है। चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले बॉक्स का ओवरव्यू कर लेते हैं। बॉक्स के फ्रंट साइड में ही कंपनी की ब्रांडिंग मेंशन की गई है और इसका मॉडल नेम फैंटम 450 भी मेंशन किया गया है और साथ ही एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। और आजकल मेड इन इंडिया पर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और बॉक्स के बैक साइड में कुछ की फीचर्स को हाईलाइट किया गया, जिन्हें आप पॉज करके रीड आउट कर सकते हैं और यहाँ वीडियो में आगे डिटेल में बात करेंगे। साथ ही इसकी MRP 2799 रुपीज़ भी मेंशन की गई है। अब जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या एक्सेसरी साथ में दी गई है। सबसे पहले आपको चार्जिंग केस मिल जाता है, साथ में आपको कुछ यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड भी दिया गया है और आपको एक स्मॉल साइज़ की टाइप सी केबल और डिफरेंट साइज़ के कुछ सिलिकॉन टिप्स भी मिल जाएंगे। और फाइनली अब आ जाते हैं चार्जिंग केस पर। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की। इसके टॉप साइड में विंग्स की ब्रांडिंग मेंशन की गई है, बैक साइड में टाइप सी पोर्ट दिया गया है चार्जिंग के लिए और यहाँ आपको स्लाइड टू ओपन डिजाइन का यूज देखने को मिल जाएगा, यानी कि स्लाइडिंग लीड का यूज किया गया है। और इसमें आपको फ्रंट साइड में ब्रीथ LED लाइट का यूज देखने को मिल जाएगा, जो इसकी चार्जिंग कैपेसिटी को शो करती है। और यहाँ इसकी स्लाइडिंग की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा टफ दी गई है, ओपन एंड क्लोज करने में बहुत ही ज़्यादा टफ फील होती है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल भी ईजी या फिर सॉफ्ट नहीं दी गई है और यहाँ इस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए था। हो सकता है कि आपको बार बार ओपन एंड क्लोज करने में ब्रेक भी हो जाए, तो इसको बहुत ही ज्यादा सेफ्टी से यूज करना पड़ सकता है। और यहाँ केस की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का यूज किया गया, बिल्ड क्वालिटी अच्छी दी गई है और काफी लाइट वेट भी फील होता है। साइज फैक्टर की बात करें तो राउंड शेप डिजाइन का यूज किया गया और लार्ज साइज का केस आपको देखने को मिलेगा, तो पॉकेट में कैरी करने में भी यहाँ इशू फील हो सकता है, हाँ इजिली बैकपैक जरूर कर सकते हैं। और यहाँ ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की बात की जाए तो स्लाइडिंग पे अगर अच्छे से काम किया गया होता तो ये और भी बेहतर हो सकता था। और साथ ही ईयरबड्स की बात करें तो इनमें इनियर डिजाइन का यूज किया गया, इनके टॉप साइड में टच सेंसर का यूज देखने को मिलेगा, विंग्स की ब्रांडिंग मेंशन की गई है, इसी के इनबिल्ट आपको LED नोटिफिकेशन लाइट मिल जाएगी जो इनकी कनेक्टिविटी को शो करती है, माइक्रोफोन का यूज किया गया है। इनके कंफर्ट एंड फिटिंग की बात करें तो प्रॉपर फिटिंग प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी स्लिम साइज के ईयरबड्स दिए गए हैं, साथ ही सिलिकॉन टिप्स का यूज किया गया तो आप इन्हें अपनी ईयर साइज के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। और इनमें IPX5 की रेटिंग भी मिल जाएगी, तो ये स्वेट एंड स्प्लैश प्रूफ भी दिए गए हैं, जिससे कि आप इन्हें जिम में वर्कआउट्स के दौरान या फिर आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी यूज कर सकते हैं। और कनेक्टिविटी के लिए इनमें ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट दिया गया, साथ ही स्लाइड टू ओपन एंड पेयर का यूज देखने को मिल जाएगा, तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी दी गई है, आप इन्हें फास्टली पेयर भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको AAC यानी हाई क्वालिटी ऑडियो का सपोर्ट नहीं दिया गया है और नहीं ऐप का सपोर्ट भी मिलता है, जो कि आपको विंग्स के अदर ईयरबड्स में मिल जाता है, तो कम से कम ऐप का सपोर्ट तो दे ही सकते थे। और अब बात कर लेते हैं साउंड क्वालिटी की। इसमें 13mm के लार्ज स्पीकर ड्राइवर का यूज किया गया है, साउंड क्वालिटी आपको अच्छी सुनने को मिल जाएगी, क्लियर वोकल्स दिए गए हैं, डिसेंट लेवल के ट्रेवल्स भी सुनने को मिल जाएंगे और यहाँ बहुत ज़्यादा छनछन की आपको आवाज़ नहीं आएगी, जिससे कि इरिटेशन फील हो। लाउडनेस की बात करें तो इनफ लाउडनेस दी गई है, फुल वॉल्यूम तक आप जा सकते हैं, कोई भी इशू फील नहीं होगा। साथ ही बात करें बेस की तो इसमें आपको डीप बेस दिया गया है और बेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी सुनने को मिल जाएगी। अगर आप बेस लवर हैं तो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं होगा, आप जरूर से इन्हें प्रीफर कर सकते हैं। ओवरऑल साउंड क्वालिटी प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही अच्छी सुनने को मिलेगी, तो आप जरूर से प्रीफर कर सकते हैं। और यहाँ कॉलिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो इनके पर ईयरबड्स में डुअल माइक का सपोर्ट दिया गया और नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए ENC का सपोर्ट मिल जाएगा, तो यहाँ हल्की फुल्की नॉइज़ को अच्छे से रिड्यूस कर देते हैं और आपको एक बेहतर कॉल क्वालिटी यहाँ देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ कॉलिंग पर्पज़ के लिए आप जरूर से प्रीफर कर सकते हैं। डिसेंट कॉल क्वालिटी दी गई है, लेकिन अगर आप इन्हें हैवी ट्रैफिक में यूज़ करेंगे या फिर आउटडोर में यूज़ करेंगे तो वहाँ बैकग्राउंड में नॉइज़ फील होगी, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है। और अब ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है इन्हीं ईयरबड्स से और यहाँ फैन को भी फिलहाल स्टार्ट ही रखा गया है, जिससे कि नॉइज़ कैंसिलेशन का आपको आइडिया लग जाए कि नॉइज को किस हद तक रिड्यूस करते हैं और इनकी ऑडियो क्वालिटी कैसी सुनने को मिलती है। और यहाँ कंट्रोल फंक्शंस की बात करें तो इनके टॉप साइड में टच सेंसर का यूज किया गया, जिससे कि आप इन्हें ऑपरेट कर सकते हैं। सिंगल टैप करने से वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शंस दिया गया है, डबल टैप करने से आप म्यूजिक को प्ले एंड पॉज कर सकते हैं, साथ ही ट्रिपल टैप करने से आप ट्रैक को नेक्स्ट एंड प्रीवियस कर सकते हैं, 2 सेकंड तक प्रेस एंड रोल करने से वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट करने का ऑप्शंस भी दिया गया है।
और जैसे कि ये गेमिंग ईयरबड्स है तो आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड का फीचर्स दिया गया है। इनमें 40 ms की लो लेटेंसी दी गई है। राइट ईयरबड्स पर 2 सेकंड तक प्रेस एंड रोल करने से आप गेमिंग मोड को इनेबल कर सकते हैं और यहाँ गेमिंग मोड इनेबल करने के बाद आपको कम ही लेटेंसी फील होगी, यानी कि गेमिंग को आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप एक कैजुअल यूजर हैं तो आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। और बैटरी लाइफ की बात करें तो इसमें टोटल 45 to 46 hours तक का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप दिया गया है। पर ईयरबड्स की बात करें तो 8 to 9 hours तक का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। और यहाँ कंडीशन भी डिपेंड करती है, अगर आप हायर वॉल्यूम पर प्रीफर करेंगे तो बैटरी बैकअप और भी कम हो सकता है, यानी कि बैटरी लाइफ सीधे तौर पर आपके यूजेज पर भी डिपेंड करती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, इस TWS को आपको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं। देखो वीडियो देखने के बाद आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, लेकिन सबसे पहले इसके प्रोज की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन अच्छा दिया गया है, फास्ट पेयरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, लॉन्ग बैटरी बैकअप दिया गया है, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी सुनने को मिलती है, कॉल क्वालिटी भी अच्छी सुनने को मिल जाएगी, साथ ही कम लेटेंसी फील होगी तो आप गेमिंग को भी इंजॉय कर सकते हैं। और इसके मेनली कॉन्स की बात करें तो इसकी स्लाइडिंग में बहुत ही ज़्यादा इशू दिया गया है, इसके ओपन एंड क्लोज करने में बहुत ज़्यादा इशू फील होगा, ब्रेक होने के चांसेस भी हो सकते हैं। और यहाँ AAC कोडेक का सपोर्ट नहीं दिया गया, नहीं ऐप का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ इसमें कुछ कॉन्स दिए गए हैं, अगर आप इन्हें अवॉइड कर सकते हैं तो आप इसे जरूर से बाय कर सकते हैं। इसका लॉन्च प्राइस है 999 rupees, तो यहाँ प्राइसिंग तो काफी अच्छी देखने को मिलती है। और इसका बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।